अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरफेज। हमने पढ़ा था कि हमारे क्रोमोसोम्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी कि उसकी कॉपीज बनती है, वो इंटरफेज में बनती हैं। बाकी ऑप्शन में उसने बी में और सी में कहा हुआ है कि न्यूक्लियर डिवीजन में, न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते। और ऑप्शन डी उसने कहा हुआ है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में भी हमारा सेल या साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, हमारे क्रोमोसोम ना मल्टीप्लाई होते ना डिवाइड होते हैं स्पेस में। क्वेश्चन 2 है, द सेक्शन ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है जीन। हमने देखा अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि जो जीन होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। कि DNA और प्रोटीन जब मिलते हैं तो हमारे पास एक क्रोमोसोम्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द करेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर इनहेरिटेबल करेक्टर्स। बाकी ऑप्शन में उसने कहा है नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे फादर या मदर से हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं होते। सो इसका करेक्ट आंसर है इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टर्स हैं जो हमारे फादर या मदर से हमारे ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्वेश्चन 5 है, इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज। वही बात, इंटरफेज में मल्टीप्लीकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। के नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम कौन सी फेज में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मायोटिक 1 फेज। क्योंकि मायोटिक 1 फेज में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट सेल में मौजूद थे मायोटिक 1 फेज में, वो हाफ हो जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, इन ह्यूमंस आवर स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल्स हैव। 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जर्म सेल जो भी होंगे, बेशक वो स्पर्म हो या ओवा हो, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। तो एग सेल में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, जायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ऑब्वियसली स्पर्म सेल एंड एग सेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ह्यूमंस द आई कलर इज डिवेलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स। कि जीन्स वर्क करेंगे तो आई कलर उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए, DNA हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने मैच द कॉलम्स ऑफ ए विद द रेलेवेंट कॉलम विद बी। DNA है हेरिडिटरी करेक्टर, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्री एयर लोब इज कंट्रोल्ड बाय जीन, जाइगोट डिप्लॉयड सेल होता है और एग जो है हैप्लॉयड सेल होता है। 2.3, गिव शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू इनहेरिटेबल करेक्टर्स। इनहेरिटेबल करेक्टर्स की दो एग्जांपल्स हमने बतानी है, सिर्फ नाम बताने हैं। पेज नंबर 25 में भी गिवन है, 26 पे भी गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल है आई कलर और सेकंड एग्जांपल है हमारे ईयर लोब के अटैचमेंट या डिटैचमेंट। क्वेश्चन 2, नेम टू इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स, लॉस ऑफ ऑर्गन लाइक, एंड सेकेंड है सिकनेस, कि अगर हम बीमार हो जाते हैं या हमारे पैदा होने के बाद हमारा कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, यानी कि बहुत से रीज़न की वजह से हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है, लॉस ऑफ ऑर्गन एंड सिकनेस, ये दोनों नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट इज़ द जीन, पेज नंबर 23 पे गिवन है कि जीन इज़ अ मोलिक्यूल विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पार्ट 4, डिफाइन हेरिडिटी, कि हेरिडिटी क्या होती है। पेज नंबर 22 पे इस टॉपिक में गिवन है, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने वाली खसूसियात को हम इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर हैप्लोइड सेल्स। हैप्लोइड सेल्स आर दो सेल्स विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे जर्म सेल्स, यानी कि हमारा स्पर्म या ओवा। 2.4, डिस्क्राइब माइटोसिस। पेज नंबर 20 पे माइटोसिस के बारे में गिवन है, इसमें हम लोगों ने माइटोसिस की डेफिनेशन, इसकी सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब मियोसिस, पेज नंबर 21 में मियोसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें इसकी डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2.6, डिफाइन हेरिडिटी, पेज नंबर 22 पे इसकी डेफिनेशन है, एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेज नंबर 25 पे एक
टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो होगा हम इसमें टॉपिक ये वाला इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 2.7, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसमें हम लोगों ने इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स की एग्जाम्पल्स लिखनी है, जिसमें हमारे पास आई कलर था और अटैचमेंट या डिटैचमेंट ऑफ ईयर लोब था। क्वेश्चन नंबर 2.8, राइट नोट्स और नोट लिखना है हमने डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में बताया। हमारे पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.3, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में उसने हम लोगों को बताया हुआ है जीन्स के बारे में, सेकंड पैराग्राफ में डीएनए के बारे में बताया हुआ है, और थर्ड पैराग्राफ में हमें क्रोमोसोम्स के बारे में बताया हुआ है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक डायग्राम भी है, वो भी ड्रॉ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2.9, आइडेंटिफाई एंड लेबल द डायग्राम। उसने हमें एक क्रोमोसोम की डायग्राम दी हुई है और कह रहा है लेबल करें। 2.9 ये हमारे पास डायग्राम है और हमने बताना है कि ये है क्या चीज़। हम लोगों को पता है ये जो है ये हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स और ये है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इज़ अ पॉइंट वेयर द क्रोमेटिड्स मीट। और ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? क्रोमोसोम का। यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।